हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 16 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के पार्ट 1 में हमने इंटरफेरेंस के मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया, बट दो टॉपिक आपके रह गए थे, न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पार्ट 2 में यानी आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले और कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी ये टॉपिक हैं यानी आपके सिलेबस में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के, उन सब को मिला करके प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेरा एक सजेशन है आप सब लोगों को कि आप एक बार भले ही क्वेश्चंस को मत सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल को मत लगाइएगा, लेकिन पार्ट 1 में जितना भी हमने डिस्कस किया है वो सारे फार्मूले, वो सारे कॉन्सेप्ट, और पार्ट 2 में न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में जो भी बताएंगे आपको, उसको आप 2 से 4 से 6 बार पढ़ लीजिए, और ऐसा इतना पढ़िए, इतना इतनी बार उसको रिवाइज करिए कि सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 20 न्यूमेरिकल या 20 बार कोई क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि किसी थियरी को आप 3 से 4 से 5 बार आप पढ़ा करिए, ठीक है। ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप भले ही कितने प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चंस तब आपके लिए यूजफुल हो जाते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से तब आपको फायदा मिलता है जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, बट फार्मूले आपको भूल जाते हैं, बार बार याद नहीं रहते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो क्वेश्चन की हेल्प से भी हम लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये अप्रोच हमेशा रहता है कि मैं थ्योरी में इतना ज़्यादा एफर्ट लगा दूं कि क्वेश्चन जब मेरे सामने आए उसका जो लैंग्वेज हो वो पढ़ने के बाद मुझे वो पूरा सीन समझ में आ रहा हो कि किस तरह के सिचुएशन की बात हो रही है, कौन से फार्मूले को अप्लाई किया जा सकता है, कौन सी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है और हमेशा से यही मेरा अप्रोच रहा है कि थ्योरी पर मैक्सिमम एफर्ट करना चाहिए। मतलब अगर हम ये कहें कि आप 100% एफर्ट लगा रहे हैं पूरी फिजिक्स को पढ़ने में, तो मेरा ये हमेशा से अप्रोच है कि 60-70% अपना एफर्ट आप थ्योरी पर दीजिए, बाकी का जो एफर्ट है आपका 30-40% उसको आप न्यूमेरिकल्स पर दीजिए, ताकि वो फार्मूले वो थ्योरी आपका अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान परफॉर्म किया होगा। तो हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग में जो रिंग बनता है, क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्व किया तो उसका नाम पड़ गया न्यूटन्स रिंग। तो वो जो रिंग बनता है, जो सर्कुलर रिंग आपको दिखाई देता है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, वो कैसे बनता है और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। तो सबसे पहले आप जनरल वे में इस बात को समझिए कि न्यूटन्स रिंग में होता क्या है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद इधर से लाइट ऐसे इंसिडेंट होती, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा ये ऑब्लिक इंसिडेंट ले रहे हैं, बट न्यूटन रिंग का जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं उसमें लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में इंसिडेंट करते हैं। तो ये जनरल केस है, अभी हम इसको स्पेसिफाई कर लेंगे नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। तो अगर हम एक प्लेन ग्लास प्लेट लें, प्लेन ग्लास प्लेट, और ये है आपका, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो जब लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो होता क्या है कि ये लाइट ऐसे अंदर, यहां से पहली बात तो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर अंदर जाएगी, और अंदर जब ये लाइट यहां पर पहुंचती है तो इसका कुछ हिस्सा यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा अंदर की ओर ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो ट्रांसमिटेड रे है ये फिर से इस ये प्लेन ग्लास प्लेट के सरफेस पर आने के बाद ये फिर से रिफ्लेक्ट होती है, और ये वाली रे, ये जो यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही थी वो बाहर निकलती है, और ये वाली रे भी यहाँ से बाहर निकलती है, और ये दोनों रेज बाहर निकल के इंटरफियर करती है। मतलब ओवरऑल क्या होता है न्यूटन्स रिंग में कि लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर,
और उसमें क्या होता है कि जो लाइट अंदर जाती है वो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर वाले सरफेस से और इस ग्लास प्लेट के ऊपर वाले सरफेस से दोनों जगहों से ये रिफ्लेक्ट होती है ना। तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बाहर निकल रही है, यहाँ वाली रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बाहर निकल रही है और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरफियर करती हैं और जब हम यहाँ से माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल सबसे पहले यही आपको जानना है कि ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर आधारित है कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर आधारित है। तो जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में हमने आपको चार एग्जांपल्स बताए थे उसमें से ये नहीं है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हमने तीन एग्जांपल्स बताए थे उसमें ये एग्जांपल है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में तीन एग्जांपल्स हमने आपको बताए थे, थिन फिल्म का एग्जांपल, न्यूटन्स रिंग का एग्जांपल और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसके अलावा फैब्रिपेरेट एटिलान भी होता है। बट यहां पर देखिए थिन फिल्म की अगर हम बात करें तो यहां पर भी थिन फिल्म ही है, न्यूटन्स रिंग में भी थिन फिल्म ही बन रहा है, बट कहां पर बन रहा है तो प्लेनो, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में यहां पर ये पूरा एयर फिल्म है, इधर ये एयर फिल्म है, यहां पर भी ये एयर फिल्म है, तो यहां पर भी थिन फिल्म बन रही है, कौन सी, एयर की, तो एयर फिल्म आप कह सकते हैं। और इसी एयर फिल्म के एक बार ऊपर वाली सरफेस से ये रे जा रही है और ये वाली जो रे है वो एयर फिल्म के नीचे वाली सरफेस से जा रही है। तो जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, ये ग्लास प्लेट का या सोप बबल का कोई पतला सा थिन फिल्म हो तो इस वाले सरफेस से रे गई थी और यहां अंदर वाले सरफेस से भी एक रे निकली थी और ये दोनों ने आपस में इंटरफियर किया था तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिल रहा था। बिल्कुल वैसा ही चीज यहां पर ही है, बस यहां पर क्या हो रहा है कि जो फिल्म है वो किसकी फिल्म बन रही है तो एयर की फिल्म यहां पर बन रही है प्लेनो कॉन्वेक्स और ग्लास प्लेट के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहां पर इस थिन फिल्म के ऊपर वाले, यहां पर देखिए जब लाइट ये आ रही थी तो ये लाइट का यहां पर ये पहुंचने के बाद कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ हिस्सा यहां रिफ्रैक्ट हो गया है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर, इस थिन फिल्म के एयर फिल्म के ऊपर वाले सरफेस पर पहुंचने के बाद लाइट का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया है और कुछ हिस्सा नीचे चला गया है, दैट मीन्स पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी पर बेस्ड ये फेनोमेनन है न्यूटन्स रिंग का। इंटरफेरेंस किसके किसके बीच में होता है तो रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं इन्हीं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में, ये ट्रांसमिटेड तो है नहीं कि दो ट्रांसमिटेड रेज को आगे ले जाए, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में इंटरफेरेंस होता है और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि रिफ्लेक्टेड रेज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो पाथ डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड रेज इज इक्वल टू 2μt cos, वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था r, बट आप अगर और जनरलाइज इसका फॉर्म देखें तो थीटा प्लस आर यहां पर हमने आपको बताया था प्लस, लेकिन प्लस या माइनस दोनों पॉसिबल है, लैम्डा बाई 2, ये है पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड रेज के लिए। ठीक है ना, तो थिन फिल्म से रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आपस में इंटरफियर करती हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस 2μt cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, जहां पर r है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और थीटा क्या है, इसको वेज एंगल बोलते हैं। वैसे तो वेज आपके सिलेबस में नहीं है, वेज का मतलब ये इस तरह से वेरिएबल थिकनेस का, अगर कोई थिन फिल्म है, देखिए थिकनेस यहां पर लगातार बढ़ रही है तो यहां ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं थीटा। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये थिन फिल्म जो है, यहां पर देखिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसके बगल में जैसे जैसे आप राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसकी थिकनेस लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब ये वेरिएबल थिकनेस का केस है, ये वेज के शेप का यहां पर फिल्म बन रहा है। तो यही एंगल थीटा होता है, ये थिन फिल्म के जो दोनों सर्फेसेस हैं इनके बीच का ये एंगल होता है थीटा। बट ये जो हमारा केस है न्यूटन्स रिंग का, इसमें जब हम ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो लेते हैं, ये लॉन्ग या लार्ज अपर्चर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका ये जो कर्वनेस है वो बहुत कम होता है, कर्वनेस बहुत कम होने की वजह से थीटा लगभग जीरो को टेंड करता है, इसलिए ये टर्म को हम छोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 2μt cos r और इज इक्वल टू और सॉरी इज
कॉस आर, और प्लस का केस हम पीछे भी लेकर चले थे तो अभी भी लेकर चलेंगे, तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू, ये हुआ हमारा इन जनरल केस न्यूटन रिंग्स के लिए। लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपने देखा भी होगा, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आप लोग बीएससी किए होंगे तो एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, है ना। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ग्लास प्लेट है, और इधर क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट का, और उसके सामने ये लेंस होता है, इससे ये लाइट ऐसे जाती है और ये पैरेलल रे इस तरीके से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड एक ग्लास प्लेट और रखते हैं, और इस पर ये लाइट इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये रे ऐसे आती है, ये रे ऐसे आती है, और ये रे भी ऐसे आती है, ठीक है। ये तीनों रेज यहाँ से नीचे आती हैं और नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पर देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है और ग्लास प्लेट लिया है, इसके ऊपर ये जो लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर हम जनरल केस लेकर चल रहे थे, तो जब ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट है, ये आपका सोर्स है, ये आपका लेंस है, और ये रेज यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है। अब जब ये नीचे आएंगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो फिर यहाँ से ये जब ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाएंगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इन्हीं के बीच में इंटरफेरेंस होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स रिंग में जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है वो किसके किसके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इस थिन फिल्म के अपर सरफेस और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं उन्हीं के बीच में इंटरफेरेंस होता है, और यहाँ से हम कोई एक माइक्रोस्कोप लगा करके यहाँ से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है न्यूटन्स रिंग का। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल इंसिडेंस अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, यहाँ पर ध्यान रखिए, फॉर ये जनरल फार्मूला हम आपको बता रहे थे, और यहाँ पर थीटा बहुत कम होने की वजह से हमने थीटा को जीरो ले लिया है, और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल जब किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंस होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन तीनों हो जाते हैं जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, टू म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू। ये क्या है, ये है पाथ डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस। तो आप कह सकते हैं कि न्यूटन्स रिंग का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए जो हम पाथ डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, वो होगा टू म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू, और इसमें आप म्यू को भी हटा सकते हैं। अगर आपने यहां पर कोई लिक्विड इस्तेमाल नहीं किया है, मींस एयर की फिल्म बन रही है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो अगर आपने यहाँ कोई लिक्विड इस्तेमाल किया हुआ है फिल्म बनाने के लिए, तो यहाँ पर म्यू रहेगा। अगर वो एयर फिल्म बन रहा है तो म्यू को भी आप हटा सकते हैं, सीधे सीधे आप लिखेंगे 2t प्लस लैम्डा बाई टू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया न्यूटन्स रिंग का ये पूरा फेनोमेना, आप समझ गए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया, और रिफ्लेक्टेड रेज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, एकदम जनरल पाथ डिफरेंस, प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है, कोई बुक में प्लस लेकर करता है, कोई बुक में माइनस लेकर के करता है, तो आप ध्यान रखिएगा आप कोई एक लेकर चलिए। और हमने पिछले लेक्चर में चूंकि प्लस लेकर के बताया, तो हम अब आगे जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब में प्लस लेकर ही चलेंगे, ठीक है। तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये वेज एंगल इसको बोलते हैं, जो कि अब वेज इस तरह का शेप होता है वेरिएबल थिकनेस का। तो यहां पर ये थीटा बहुत कम होने की वजह से इसको हमने जीरो मान लिया, ये हट गया, और यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो आर की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस होने पर आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो टू टी प्लस लैम्डा बाई टू। अब अगर इसमें आपको जानना है कि जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा वो इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमा कहां पर बनेगा और मिनिमा कहां पर बनेगा, जैसे पीछे आपने थिन फिल्म के लिए देखा था कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन बन रही है और डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन बन रही है, तो सेम चीज यहां पर भी डिस्कस कर लेंगे। फॉर मैक्सिमा कह सकते हैं, या फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं, या फॉर ब्राइट फ्रिंज कह सकते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज लीजिए या मैक्सिमा लीजिए, उसके लिए आप जानते हैं पाथ डिफरेंस एन लैम्डा टाइप का होता है, ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ा है। तो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा टाइप का होता है न्यूटन्स रिंग के केस में, एन लैम्डा इसके इक्वल होगा टू टी प्लस लैम्डा बाई टू, कितना आ जाएगा
2t इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, तो 2n माइनस 1 और ये लैम्डा बाई 2, यानी हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा बाई 2। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन बन गया, या मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन बन गया न्यूटन्स रिंग के केस में। इसी तरीके से आप डार्क के लिए भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर डार्क फ्रिंज या फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए, मिनिमा के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जनरल क्या आया है न्यूटन्स रिंग के लिए, 2t प्लस लैम्डा बाई 2 कितना होना चाहिए। तो डार्क फ्रिंज के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना हमने लिया था, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा, n लैम्डा आएगा, n लैम्डा प्लस यहां से आएगा लैम्डा बाई 2, और इस लैम्डा बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग में मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। वैसे हर एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, जिस सीक्वेंस में हमने बताया है उसी सीक्वेंस में आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद ये आप बता सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रेज के लिए पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला ये होता है। यहां पर ये चूंकि लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है, तो जो वेज एंगल थीटा बनेगा वो बहुत कम होगा, हम उसको जीरो मान लेंगे, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, कुल मिला के ये हो जाएगा 2t। और एयर अगर बीच में है, अगर यहां पर एयर फिल्म बन रही है तो म्यू की वैल्यू वन रख देंगे, अगर ऑयल है तो आप या कोई और लिक्विड है तो आप म्यू इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने एयर मान के किया है 2t प्लस लैम्डा बाई 2, ये जनरल पाथ डिफरेंस हो गया न्यूटन्स रिंग के केस में। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होता है, तो एन लैम्डा के इक्वल करके सिंप्लीफाई कर लिया, और मिनिमा के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है, तो उसको रख के हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखाई देगा उसका शेप क्या होगा। जैसे हमने आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में बताया था कि जो शेप होता है वो हाइपरबोलिक भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, तो न्यूटन्स रिंग के केस में जो शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कैसा होता है। तो देखिए न्यूटन्स रिंग के केस में जो शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो सर्कुलर होता है, रिंग के फॉर्म का होता है, सर्कुलर होता है। तो जो सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न बनने का मतलब कि कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई देता है। अब ये सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न बनने का मतलब कि आप ये बोल सकते हैं ये कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये जो सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न है या न्यूटन्स रिंग है ये कैसे मिला होगा। तो ये मिलता है बाई द लोकस ऑफ इक्वल थिकनेस पॉइंट, इक्वल थिकनेस के जो पॉइंट्स होते हैं उनके लोकस से आपको सर्कुलर शेप ही मिलता है। कहने का मतलब ये कि जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको ये एक सेंट्रल पॉइंट मिलता है इस रिंग का, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब आप बगल में जाएंगे, मान लीजिए आप मान रहे हैं कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बना है, तो अगर इसके राइट साइड में जितनी डिस्टेंस पर ब्राइट इधर बना है उतनी ही डिस्टेंस पर ब्राइट इधर भी बनेगा, उतनी ही डिस्टेंस पर ब्राइट सामने भी बनेगा, क्योंकि ये सर्कुलर है ना। तो आप थ्री डायमेंशन में जरा इमेजिन करिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर आपको सेंट्रल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस इधर लेंगे उतनी ही डिस्टेंस पर चारों तरफ सेम टाइप का आपको फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि सेम पाथ डिफरेंस वहां पर होगा। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर एक मीटर की डिस्टेंस पर इधर या इधर जाएं, या एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इधर या इधर जाएं, तो जिस टाइप का फ्रिंज हमको यहां मिलेगा उसी टाइप का फ्रिंज यहां पर मिलेगा। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि ये ब्राइट फ्रिंज है तो इसका मतलब इधर भी ये ब्राइट फ्रिंज है, मतलब चारों तरफ एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको ब्राइट मिल रहा है। तो एक पॉइंट आप फिक्स कर ले रहे हैं और उसके चारों तरफ एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, तो सभी पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो सर्किल ही तो पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनेगा। तो एक फिक्स पॉइंट से अगर सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है तो उनका जो लोकस मिलेगा वो सर्कल ही मिलेगा। इसीलिए न्यूटन्स रिंग में जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है वो सर्कुलर होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि लोकस ऑफ इक्वल थिकनेस पॉइंट,
इक्वल थिकनेस पॉइंट का मतलब कि ये जो एयर फिल्म इधर या इधर बन रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जितनी थिकनेस, मतलब जितना ये थिकनेस है इधर, उतना ही थिकनेस वाले पॉइंट पर इधर जाएंगे, या जितना थिकनेस यहाँ पर है उतनी ही थिकनेस वाले इधर वाले पॉइंट्स पर जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स का जो लोकस है वो सर्किल मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि न्यूटन्स रिंग में जो सेंट्रल वाला फ्रिंज आपको मिलता है वो डार्क होगा कि ब्राइट। तो सेंट्रल फ्रिंज की अगर हम बात करें, ये तो आप ध्यान रखिएगा कि न्यूटन्स रिंग जो होता है वो सर्कुलर होता है, और कैसे मिलता है, बाई दी लोकस ऑफ इक्वल थिकनेस पॉइंट्स। ये फिल्म के इक्वल थिकनेस वाले पॉइंट्स को मिलाने से, उनके लोकस से आपको न्यूटन्स रिंग मिलता है। अगर हम सेंट्रल फ्रिंज की बात करें, सेंट्रल फ्रिंज, तो सेंट्रल फ्रिंज कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए टी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए अगर टी की वैल्यू जीरो होगी, तो जरा हम इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई करें, या जनरल कंडीशन ही हम ले लेते हैं पाथ डिफरेंस का। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस हर एक पॉइंट के लिए जनरल पाथ डिफरेंस क्या है, ये है 2t + λ/2। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए अगर हम बात करें, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टी की वैल्यू जीरो होगी, थिकनेस यहाँ पर जीरो है फिल्म की, ये जीरो रखने का मतलब कितना आ जाएगा, λ/2। और आपने पढ़ा हुआ है कि λ/2, 1/λ/2, 3/2λ, 5/2λ, 7/2λ, इस टाइप का अगर पाथ डिफरेंस है तो वहाँ पर होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर पाथ डिफरेंस आ गया λ/2, λ/2 का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब कि जो फ्रिंज होगा वो कैसा होगा, ये फ्रिंज आपका डार्क फ्रिंज होगा। तो सेंट्रल फ्रिंज कैसा होता है, डार्क होता है, सेंट्रल फ्रिंज डार्क होता है न्यूटन्स रिंग में। तो यहां पर आपका डार्क मिलेगा, उसके बाद फिर ब्राइट मिलेगा, उसके बाद फिर से डार्क, फिर से ब्राइट, फिर से डार्क, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ न्यूटन्स रिंग के सेंट्रल डार्क की कंडीशन, और इसके सर्कुलर होने का तरीका या उसका रीजन। ये तरीका आप ये स्टेटमेंट भी याद रखिए, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में दिया जाएगा कि जो न्यूटन्स रिंग है वो कैसे प्राप्त किया गया। तो न्यूटन्स रिंग इज द लोकस ऑफ इक्वल थिकनेस पॉइंट्स ऑन फिल्म। ठीक है, जो भी थिन फिल्म बन रहा है उसके इक्वल थिकनेस वाले पॉइंट्स को मिलाने से न्यूटन्स रिंग मिलता है आपको। डायमीटर ऑफ रिंग, तो जनरल फार्मूला अगर हम डायमीटर का बताएं, चाहे आप ब्राइट वाले फ्रिंज का डायमीटर निकालिए, चाहे डार्क वाले फ्रिंज का आप डायमीटर निकालिए, तो डायमीटर का जनरल फार्मूला आप याद रखिए कि dn² / 4 = 2rt। ये जनरल फार्मूला आप याद रखिए डायमीटर के लिए, जिसमें r क्या है, r है इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। R is the radius of curvature of plano convex lens, और T क्या है, T is the thickness of the film, जो फिल्म यहाँ पर बन रही है, एयर की फिल्म हो सकती है, लिक्विड की फिल्म हो सकती है, उसकी थिकनेस है T। और dn मतलब क्या है, nth ऑर्डर का जो डार्क या ब्राइट फ्रिंज होगा, डार्क या ब्राइट जो सर्किल होगा उसका डायमीटर है। तो ये डार्क है कि ब्राइट है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम डार्क फ्रिंज से टी की वैल्यू निकाल के रखेंगे तो ये डार्क फ्रिंज का डायमीटर हो जाएगा, अगर हम ब्राइट फ्रिंज से थिकनेस का फार्मूला, थिकनेस की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखेंगे तो ये ब्राइट का डायमीटर हो जाएगा। और आप पीछे पढ़ चुके हैं डार्क और ब्राइट के लिए, जैसे हम ये जनरल फार्मूला हमने लिख लिया है, तो अगर हम मान लीजिए डार्क के लिए बात करें, डार्क फ्रिंज के लिए, तो आप जानते हैं कि फॉर डार्क फ्रिंज 2t = डार्क फ्रिंज के लिए 2t कितना होता है, किसके इक्वल होता है, n लैम्डा के इक्वल, है ना। अभी हमने डार्क और ब्राइट के लिए कंडीशन निकाला था पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2t = n λ आया हुआ था डार्क फ्रिंज के लिए। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, n λ/2, और इस t की वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dn² / 4 = वैसे देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैलकुलेशन क्यों बता रहे हैं, तो कैलकुलेशन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप सीधे सीधे फार्मूले को याद करेंगे तो भूलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपको आइडिया पता है कि वो सेंट्रल डार्क क्यों आया, या ये सर्कुलर क्यों आया, या फिर इस फार्मूले से हम ये डार्क फ्रिंज के डायमीटर या फिर ब्राइट फ्रिंज के डायमीटर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो भूल जाए आपको
कि डार्क या ब्राइट के लिए डायमीटर का फार्मूला क्या होता है। तो एक फार्मूला अगर याद है, पीछे आपने पाथ का कंडीशन, पाथ डिफरेंस का कंडीशन पढ़ाई है, तो इसको इसमें आप अप्लाई करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वजह से ये कैलकुलेशन जरूरी है, ठीक है। तो 2R और T की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, एन लैम्डा बाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4R एन लैम्डा, एन को बाहर करिए 4R लैम्डा जो कि कांस्टेंट है, यानी डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन 4R लैम्डा। ये फार्मूला हो गया किसके लिए, ये फार्मूला हो गया डार्क फ्रिंज के लिए। तो इसका मतलब ये है कि डार्क फ्रिंजेज की जो डायमीटर का स्क्वायर है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये कि डी एन प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, और एन की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब कि जो पहला डार्क फ्रिंज है अगर उसका डायमीटर अंडर रूट 1 समथिंग है, तो अगले वाले का, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 1D मान लेते हैं, तो अगले वाले का क्या आएगा, अगले वाले का आएगा अंडर रूट 2D और अगले वाले का आएगा अंडर रूट 3D एंड सो ऑन। मतलब कि जो डायमीटर का रेशियो होगा डार्क फ्रिंजेस का, वो रेशियो कुछ इस टाइप का होगा, अंडर रूट 1 रेशियो अंडर रूट 2 रेशियो अंडर रूट 3 एंड रेशियो अंडर रूट 4 एंड सो ऑन। तो डार्क फ्रिंजेस के डायमीटर का रेशियो कुछ इस टाइप का होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और डार्क फ्रिंज का अगर आ गया तो फिर ब्राइट का भी बहुत जल्दी से कर लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए तो ब्राइट फ्रिंजेज के डायमीटर की वैल्यू कैसी होती है, किस टाइप की होती है, तो देखिए यहाँ से हम ब्राइट के लिए कंडीशन पीछे निकाल चुके हैं। 2T इक्वल टू क्या आया था, यह आया था 2N-1 लैम्डा बाई 2, और इसको अगर हम सॉल्व करें, अच्छा यहाँ पर साथ में 2T, हाँ फाइनली यही आया था ना 2T, और ये पक्षांतर करने के बाद तो 2T इक्वल टू 2N-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से अगर हम T निकालें तो T इक्वल टू आ जाएगा 2N-1 लैम्डा बाई 4, और T की वैल्यू आप इस जनरल फार्मूले में रखिए, तो डी एन स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2R, और T की जगह पर लिखेंगे 2N-1 लैम्डा बाई 4, और इससे इसको कैंसिल करिए, या तो इसको रहने दीजिए, इस 4 से इस 4 को कैंसिल करिए, फाइनली आपको मिलेगा डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये है आपका 2N-1 पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद में 2R और लैम्डा, 2R और लैम्डा। तो 2R लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और लैम्डा ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वो सब फिक्स है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि डायमीटर का स्क्वायर ऑफ किसका डायमीटर, ब्राइट फ्रिंज के डायमीटर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 2N-1, और 2N-1 जो है वो एक ऑड नंबर है, ये आपको पता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से रेशियो निकालें, यानी डी एन प्रोपोर्शनल टू क्या, अंडर रूट 2N-1, तो अगर हम n की वैल्यू रखें 1 तो कितना आएगा 2-1 यानी कि अंडर रूट 1, अगर इसकी वैल्यू 2 रखें तो 2 2 जा 4-1 यानी रूट 3 रखेंगे तो यहां से आएगा रूट 5, यानी जो ब्राइट फ्रिंजेज हैं उनके डायमीटर का जो रेशियो आएगा, डायमीटर का रेशियो फॉर ब्राइट फ्रिंज वो किस टाइप का आएगा, रूट 1 रूट 3 रूट 5 एंड सो ऑन, यानी मतलब ऑड नंबर आएगा इस तरह से, जबकि इसमें इवन और ऑड सभी आएंगे, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज के लिए पाथ डिफरेंस, अगर आपको ये कंडीशन पता है जो पीछे हमने पाथ डिफरेंस डिस्कस किया था, तो वहां से आप इस जनरल फार्मूले में टी की वैल्यू रख करके डायमीटर के लिए फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ और भी फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन्स रिंग में। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो न्यूटन्स रिंग में जो सर्किल्स हमको मिलते हैं, तो वो सर्किल का ऑर्डर बढ़ने के साथ, जैसे ये सेंट्रल डार्क है, इसके बाद ये फिर डार्क है, फिर ये डार्क है, बीच में ब्राइट है ना, ये डार्क है एंड डार्क है, ऐसे ऐसे जब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ जब फ्रिंजेज हम बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ये घटता है, ठीक है। भले ये डायग्राम बनाते टाइम ये बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में शुरुआत में दो डार्क के बीच का या दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन जितना ज्यादा होता है, वो लगातार आगे बढ़ने के साथ वो सेपरेशन घटता जाता है। मतलब इसके आगे का जब डार्क बनाएंगे तो इस डार्क के थोड़ा करीब होगा, ठीक है, ये और दूर बन जा रहा है, ठीक है, ये करीब होगा, और अगला जब डार्क बनाएंगे तो ये और ज्यादा इसके करीब होगा, है ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे, इनके बीच का सेपरेशन घटता जाएगा। कैसे पता है, तो अगर हम कोई भी एक फार्मूला ले लें, मान लीजिए डार्क का फार्मूला ले लें या ब्राइट का फार्मूला ले लें, और उनके बीच का हम स्पेसिंग पता करें, तो स्पेसिंग कह लीजिए,
स्पेसिंग या सेपरेशन बिटवीन दी फ्रिंजेज। तो या तो आप डार्क से पता कर लीजिए या तो आप ब्राइट से पता कर लीजिए, क्योंकि डार्क का फार्मूला आसान है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n λr, ये फार्मूला था। तो मान लीजिए डी एन स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो इसके एक आगे वाला अगर मान लीजिए ये है हमारा nth ऑर्डर का डार्क फ्रिंज और इसका डायमीटर है dn, तो इसके आगे का जो फ्रिंज होगा डार्क उसका डायमीटर ऐसे बोला जाएगा dn plus 1 के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, dn plus 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4n plus 1th और ये लैम्डा r, डिफरेंस निकालेंगे dn plus 1 स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n plus 1 लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 4 लैम्डा आर को कॉमन ले लीजिए, तो 4 लैम्डा आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा एन प्लस वन और यहाँ से आएगा, या तो एक काम करिए आप, क्योंकि आपको डायमीटर का सेपरेशन चाहिए ना उनके स्क्वायर का नहीं, तो आपको यहीं पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो डी एन इक्वल टू अंडर रूट 4n लैम्डा आर, यहाँ पर भी आ जाएगा डी एन प्लस वन इक्वल टू अंडर रूट 4n प्लस वन लैम्डा आर। अब इसके बाद सेपरेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा डी एन प्लस वन माइनस टी एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर डी एन प्लस वन की जगह पर ये अंडर रूट 4n प्लस वन लैम्डा आर माइनस अंडर रूट 4n लैम्डा आर, और अंडर रूट 4 लैम्डा आर को कॉमन लेंगे तो मिलेगा ब्रैकेट में अंडर रूट n प्लस वन माइनस अंडर रूट n। तो इस फार्मूले से आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू का मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज, कौन सा फ्रिंज, तो चाहे आप अभी तो फिलहाल हम डार्क की बात कर रहे हैं लेकिन आप ब्राइट की भी करेंगे तो ऐसा ही आपको रिजल्ट फाइनल मिलेगा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेज जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे हम सेंट्रल से आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड सो ऑन, तो एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, ये जो टर्म यहां पर आया है ब्रैकेट में अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन, इस पूरे टर्म की वैल्यू घटेगी, और इस पूरे टर्म की वैल्यू घटने का मतलब कि दो फ्रिंजेज के बीच का सेपरेशन या स्पेसिंग ये घटेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रिंजेज आप सेंट्रल फिन से दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का सेपरेशन घटता जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएंगे। तो ये रहा आपका न्यूटन रिंग के बारे में जो भी फार्मूले हो सकते थे, बट एक दो फार्मूले आपको और देखने हैं जो इनके अप्लीकेशन से हैं। जैसे न्यूटन रिंग का अप्लीकेशन क्या है, तो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में आपने किया क्या था ये आप नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन में आप लिखिए न्यूटन रिंग का एप्लीकेशन क्या है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम इंसिडेंट कर रहे थे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के ऊपर, उस लाइट का हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप यही वाला फार्मूला ले लीजिए डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर, और अगर मान लीजिए ये nth डार्क फ्रिंज के लिए आपने यूज किया है, अगर कुछ और आगे बढ़ते हैं और उसको आप मानते हैं pth, मतलब n प्लस pth, तो n प्लस pth का डायमीटर के लिए n की जगह पर n प्लस p लिखना पड़ेगा, और दोनों का अगर हम सेपरेशन ले लें तो डी एन प्लस पी ये स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और 4n लैम्डा आर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4p लैम्डा आर। लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है तो 4p r को इधर ले जाएंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा अपान में 4πr इज इक्वल टू लैम्डा के, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला आपके पास हो गया कि अगर आपको n प्लस pth फ्रिंज का डायमीटर पता है तो उसका स्क्वायर माइनस nth का डायमीटर का स्क्वायर, यानी डायमीटर अगर आप निकाल लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रिंज का, उसके बाद कुछ और आगे जाके कुछ एक इंटरवल के बाद आगे जाके किसी फ्रिंज का डायमीटर निकाल लेते हैं, उनका स्क्वायर कर लीजिएगा डिफरेंस करके, और 4πr, p क्या है, P है डिफरेंस या इंटरवल बिटवीन दी फ्रिंजेज। जैसे अगर आपने nth फ्रिंज का डायमीटर निकाला है तो अगला कौन सा फ्रिंज आपने लिया है, n प्लस pth, तो यहां पर अगर n की n का मतलब क्या है, अगर यहां पर सपोज n का मतलब 2 है तो n प्लस pth का मतलब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ये 8 है, इसका मतलब कि इसके बीच का सेपरेशन कितना था 6, यानी अगर हम दूसरे वाले फ्रिंज का डायमीटर निकाल लेते हैं यानी dn निकाल लेते हैं तो हम आठवें वाले फ्रिंज का जब निकालेंगे तो वही हमारा dn प्लस p का स्क्वायर होगा, और यहां p का मतलब ये दूसरे से आठवें पर गए हैं मतलब 6 का सेपरेशन है, ठीक है। p का मतलब इंटरवल बिटवीन दी फ्रिंजेज, नंबर ऑफ फ्रिंजेज।
तो अगर आपको वो इंटरवल पता है जिस इंटरवल पे आप मेजर कर रहे हैं और डायमीटर वगैरह निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पता है, तो ये कैलकुलेशन करके आप लैम्डा निकाल सकते हैं। और इसका आपने एक्सपेरिमेंट जब किया होगा तो एक ग्राफ आपने बनाया होगा, तो ग्राफ भी आप समझ लीजिए, न्यूटन रिंग का ग्राफ। इस एक्सिस पर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेज को दिखाएंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेज। इस एक्सिस पर हम डायमीटर का स्क्वायर दिखाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि ये और जो ग्राफ यहां पर मिलता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है इन दोनों के बीच का। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो पॉइंट आपको मिला है वो nth फ्रिंज के लिए और ये उसके डायमीटर का स्क्वायर है nth फ्रिंज का, और P के इंटरवल के बाद यहां से जैसे यहां से यहां तक ये nth फ्रिंज है और P और इसमें ऐड कर देंगे तो यहां पहुंचेंगे तो n प्लस pth फ्रिंज होगा और उसका डायमीटर जो होगा वो उसका स्क्वायर आपको यहां से मिलेगा डी एन प्लस पी स्क्वायर। यानी आपने जो ग्राफ खींचा है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेज और उनके डायमीटर के स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचा है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज और उनके डायमीटर के बीच का स्क्वायर अगर है, इनके बीच का जब ग्राफ खींचेंगे तो चूंकि आप फार्मूला यहां से देख लीजिए डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r, तो n और डी एन स्क्वायर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और यहां से सॉरी यहां से देखिए आप कि अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये एंगल को अगर हम कहें थीटा और यहां से हम टेन थीटा निकालें, टेन थीटा का मतलब इसका स्लोप निकालें, तो स्लोप या टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। यहां नीचे ओरिजिन से लेकर यहां तक कितना है डी एन प्लस पी स्क्वायर, माइनस यहां से लेकर यहां तक कितना है डी एन स्क्वायर। माइनस हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको इस साइड की लेंथ चाहिए थी, तो यहां से लेकर यहां तक है डी एन प्लस पी स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक है डी एन स्क्वायर। तो अगर इस पूरे में से हम इतने को माइनस कर दें तो हमको इसकी लेंथ मिल जाएगी, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और अपान में बेस, बेस कैसे निकलेगा, तो यहां से लेकर यहां इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस है या नंबर ऑफ फ्रिंज है एन प्लस पी, और माइनस यहां से लेकर इस पॉइंट तक कितना है एन, तो माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपान में पी। यानी कि डी एन स्क्वायर और एन के बीच में जो आप ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ का वो जो स्लोप है वही यहां पर है डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपान में पी। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं स्लोप या टेन थीटा और अपान में फोर और क्या उसके साथ में आर। तो अगर आपको इस ग्राफ का स्लोप मिल जाए तो फोर इंटू आर, आर तो आप निकाल ही लेंगे, स्फीरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो स्लोप अपान फोर आर कर देंगे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इंसिडेंट कर रहे थे उसका वेवलेंथ आपको मिल जाएगा। एक और एप्लीकेशन देख लीजिए, इसके बाद हम मूव करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ऊपर, नहीं तो लेक्चर काफी लंबी हो जाएगा, अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो दूसरा एप्लीकेशन ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां पर पता करना चाहते हैं किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, लिक्विड का, वो पता कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए जो आपका ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था और ये ग्लास प्लेट था, अगर इसके बीच में यहां पर कुछ नहीं है दैट मीन्स एयर फिल्म बन रही है, तो अगर एयर फिल्म बन रही है तो वहां पर हमने म्यू इक्वल टू वन कर दिया शुरुआत में ही। मान लीजिए अगर वो एयर फिल्म की बजाय कोई लिक्विड है तो लिक्विड यहां पर रहेगा तो उस लिक्विड का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो नॉन जीरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पूरे फार्मूले में आपको मिलेगा। और फाइनली कहां मिलेगा वो, तो फाइनली आप देखेंगे वो इसी में अपान में मिलेगा, है ना, इसी फार्मूले में अगर हम डी एन स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो इसके अपान में हमको म्यू मिलेगा। तो सीधे सीधे अगर कहें, सीधे सीधे अगर कहें तो डी एन स्क्वायर फॉर एयर फिल्म इज इक्वल टू 4n लैम्डा r, और अगर कोई लिक्विड है तो डी एन स्क्वायर फॉर लिक्विड इज इक्वल टू 4n और यहां पर लैम्डा r और अपान में आ जाएगा म्यू, ठीक है, म्यू आ जाएगा। और ये कैसे आता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं ना, लैम्डा अपान म्यू लिखा हुआ है आप इसकी जगह पर सिर्फ लैम्डा डैश लिखिए, और आपको पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और वी वन अपान वी टू को हम बोलते हैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो यहाँ और वी इक्वल टू होता है एन इंटू लैम्डा, एन मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो एन वन तो एन ही रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और एन लैम्डा टू, एन से एन कैंसिल होगा तो दूसरे वाले मीडियम में लैम्डा टू कितना आ जाएगा, तो लैम्डा वन अपान में म्यू,
है ना, लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपान म्यू। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव सॉरी डेंसर मीडियम में लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और कितना हो जाता है, कम होता है, ज़्यादा कम हो जाता है। डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट का वेवलेंथ कम हो जाता है और वो लैम्डा वन अपान म्यू के इक्वल हो जाता है। तो एयर अगर फिल्म है यहाँ पर तो सिर्फ लैम्डा रहेगा, लेकिन डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम यानी लिक्विड है तो लैम्डा की जगह पर लैम्डा अपान म्यू लिखना पड़ेगा। तो ये लैम्डा अपान म्यू हमने लिख दिया है, और इनको अगर आप आपस में डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद ये म्यू ऊपर चला जाएगा, मतलब इनका रेशियो निकाल करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग के ये दो खास एप्लीकेशन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ पता कर सकते हैं और कोई लिक्विड है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। चलिए तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी देख लेते हैं, और ये है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। इसमें कुल मिलाकर के क्या है, दो ग्लास प्लेट्स हैं, इस ग्लास प्लेट के दूसरे वाले सरफेस को पार्शियली सिल्वरिंग कर दिया गया है, और यहाँ से जब ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो इस सरफेस पर पड़ने के बाद, इस सिल्वरिंग वाले सरफेस पर पड़ने के बाद कुछ भाग यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। इसका मतलब कि जितनी भी इंटेंसिटी आ रही है उस इंटेंसिटी का कुछ हिस्सा उधर गया है, कुछ हिस्सा इधर गया है। दैट मीन्स डिवीज़न ऑफ इंटेंसिटी या डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है आपका ये इंस्ट्रूमेंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जैसा कि न्यूटन्स रिंग में भी था और थिन फिल्म ऑफ ग्लास प्लेट जो हमने शुरुआत में देखा उसमें भी था। तो ये डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरफेरेंस के पैटर्न पर काम करता है, यानी इंटरफेरेंस यहाँ पर होता है और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को मेजर करके हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के वेवलेंथ को बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। और मान लीजिए दो दो अगर लाइट मतलब दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही है और उनके बीच का वेवलेंथ में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत कम सेपरेशन है, तो उस बहुत कम सेपरेशन को भी हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, माइकलसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई और बाकी ट्रांसमिट हुई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट चूंकि इस डेंसर मीडियम से एक बार इधर से ऊपर जा रही थी, एक बार जब लौट रही थी तब भी इसको गुजरना था, मतलब दो बार गुजरना था। और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि डेंसर मीडियम से जब लाइट पास होती है तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लैम्डा बाई टू का। तो इसका मतलब ये दो बार इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है, मतलब दो बार इसको इस डेंसर मीडियम से गुजरना पड़ रहा है, जबकि अगर ये प्लेट P2 ना होता तो इसको एक बार भी ना गुजरना पड़ता। तो इस पाथ डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए हमने इसके पैरेलल एक दूसरा ग्लास प्लेट लगा दिया है, ताकि ये वाली जो ट्रांसमिटेड रे है ये भी इस ग्लास प्लेट से दो बार पास हो। दो बार पास होने का मतलब एक बार जाएगी और एक बार आएगी, तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, और दोनों का पाथ डिफरेंस सेम हो जाएगा और ये दोनों आकर के यहाँ पर इंटरफियर करेंगी, और यहाँ से हम टेलीस्कोप से इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। और हम ये मान सकते हैं कि ये चूंकि यहाँ इस मिरर टू से M2 से जो लाइट आ रही है ये ऐसे लाइट जा रही है, तो हम पीछे की तरफ जब इसको ट्रेस करेंगे तो हमको इस M2 का एक वर्चुअल इमेज इधर दिखाई देता है, और इस वर्चुअल इमेज M2 डैश और M1 के बीच में ये जो थिन फिल्म है, हम मान सकते हैं कि इसी थिन फिल्म की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें होती हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि M1 और M2 डैश हमेशा पैरेलल ही हो, ये पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो जब ये पैरेलल होती हैं तब आपको जो फ्रिंज दिखाई देता है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, वो सर्कुलर होता है, और जब ये पैरेलल नहीं होती है, इनके बीच में कुछ एंगल बनता है, तब ये हाइपरबोलिक या फिर स्ट्रेट लाइन पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, इस इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला क्या है। तो पाथ डिफरेंस आप जानते हैं, पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड जो बीम है वो भी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर से आ रहा है, वो भी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड बीम के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई टू, सबसे जनरल केस है ना, सबसे जनरल केस। न्यूटन रिंग में भी हमने इसको अप्लाई किया था, और थिन ग्लास फिल्म का, ग्लास प्लेट का जो फिल्म था उसमें भी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था। तो चूंकि यहाँ पर देखिए नॉर्मल, ये थिन फिल्म है तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आर की वैल्यू हम जीरो ले सकते हैं। और रही बात थीटा की, थीटा मतलब कि जो
थिन फिल्म बन रहा है वो एक दूसरे के पैरेलल है या उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। एंगल बनने का मतलब वेज शेप है ना, पीछे आपने देखा ना वेज शेप बोलते हैं इसको। अगर ये दोनों सरफेसेस पैरेलल होते तो थीटा इक्वल टू भी जीरो लिख देते, जैसा कि हमने ग्लास प्लेट वाले केस में किया था, थीटा भी जीरो हो गया था, आर भी जीरो हो गया था, सॉरी वहां आर जीरो नहीं था, वहां थीटा सिर्फ जीरो था। न्यूटन्स रिंग में अगर हम बात करें तो न्यूटन्स रिंग में आर भी जीरो हो गया था, थीटा भी जीरो हो गया था। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये थीटा जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इन जनरल करके लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं जब थीटा जीरो नहीं है, मतलब एम वन और एम टू डैश यानी इन दोनों थिन फिल्म के दोनों जो लेयर्स हैं उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है और नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो आर की वैल्यू जीरो, तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए पाथ डिफरेंस टू म्यू। अब देखिए इस म्यू को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि एयर फिल्म है वहां पर, है ना, तो ये टी और ये हमने हटा दिया जीरो, तो कॉस थीटा, और माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम अभी तक प्लस से ही डिस्कस करते आए हैं, तो हम प्लस ही लेकर चल रहे हैं। किसी बुक में आप देखेंगे तो हो सकता है वो माइनस के अकॉर्डिंग उन्होंने किया हो, बट फाइनल रिजल्ट पर कोई इससे असर नहीं पड़ेगा। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए जनरल पाथ डिफरेंस हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन बनेंगी। जैसे मैक्सिमा की अगर हम बात करें, फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए आप जानते हैं कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। मैक्सिमा का मतलब क्या, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल, और पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यह है आपका 2t cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको उस साइड ले जाकर के कॉमन वगैरह लेंगे तो आपको मिलेगा 2t cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ब्रैकेट में मिलेगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए या फिर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 2t cos थीटा, ध्यान रहे अगर हम पैरल वाला केस लेंगे तो ये हट जाएगा, फिर 2t इक्वल टू आ जाएगा जैसा न्यूटन रिंग में मिल रहा था। तो ये हुआ पाथ डिफरेंस का केस मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसी तरह से हम मिनिमा के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं, मिनिमा हो या फिर डार्क फ्रिंज हो, तो मिनिमा हो या डार्क फ्रिंज हो उसके लिए हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस यानी कि 2t cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल और यहां से बचेगा n लैम्डा, कुल मिला के आपको मिलेगा 2t cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट में आप देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्राइट का केस है और ये डार्क का केस है, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ब्राइट का केस नहीं है बल्कि ये डार्क या मिनिमा का केस है और ये मैक्सिमा या फिर ब्राइट का केस है। तो पाथ डिफरेंस के लिए यानी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो कंडीशंस होती है वो आपने देख लिया, जनरल पाथ डिफरेंस माइकलसन इंटरफेरोमीटर के केस में क्या होना चाहिए ये भी आपने देख लिया। अब इसमें एक बात आती है, यहां पर एक पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे हमने कहा कि जो मिरर M1 और M2 डैश है इनके बीच में कुछ एंगल भी बन सकता है और एंगल नहीं भी बन सकता है। तो मान लीजिए कि जब इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, जब इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है तो कैसे फ्रिंजेज बनते हैं, तो जब यहां कुछ एंगल बनता है तो जो फ्रिंजेज बनते हैं वो या तो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में तीनों पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन भी बनता है, हाइपरबोलिक भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा थीटा के केस पर। अभी आगे दिखाते हैं आपको कि किस केस में स्ट्रेट लाइन बनता है, किस केस में हाइपरबोलिक बनता है। और अगर थीटा यहां पर नहीं है, मतलब ये दोनों एकदम पैरेलल है, थिन फिल्म का दोनों लेयर एकदम पैरेलल है, थीटा जीरो है, तो ऐसे केस में कैसा फ्रिंज बनता है, तो ये बनता है सर्कुलर, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रिंजेज ऑफ, या इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेज, है ना, इसको लोकलाइज्ड फ्रिंजेज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो ये दो केस हो गए। अब हम आपको ये दिखा दें कि स्ट्रेट लाइन कब बनता है और हाइपरबोलिक कब बनता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए कि ये आपके मिरर वन एम वन जो मिरर है उसका कंडीशन हम दिखा रहे हैं, ये एम वन मिरर है, एम वन, ठीक है, ये मिरर एम वन, और जो वर्चुअल इमेज बना हुआ है M2 का यानी कि M2 डैश,
वो एम टू डैश कैसे हो सकता है यहाँ पर? देखिए वो एम टू डैश या तो यहाँ पर ऐसे होगा इस सिचुएशन में, एम टू डैश मतलब कि जो वर्चुअल इमेज बने वो यहाँ पर होने न होने की बजाय, यहाँ पर होने की बजाय ये नीचे हो और नीचे होने पर ऐसे कुछ एंगल बनाए, तो ऐसा केस आपको मिलेगा, ठीक है। केस नंबर टू, अगर मान लीजिए जो आपका M2 डैश है वो बिल्कुल M1 के ऊपर ही हो और इस तरीके से क्रॉस्ड हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर आप थीटा दिखा सकते हैं या यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये आपका M2 डैश हो गया। और तीसरा केस ये है कि ये मिरर आपका इस तरीके से हो और ऊपर वाला जो मिरर है वो ऐसे इंक्लाइंड हो और ऊपर जाने के बाद दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये है आपका M2 डैश। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशन है थीटा के लिए, यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है, वहां पर भी थीटा है, यानी थीटा जीरो नहीं है। तो ऐसे केस में जो आपका फ्रिंज बनता है वो इस टाइप का बनता है, मतलब हाइपरबोलिक, और इस साइड मुड़ा रहेगा, इंक्लाइनेशन लेफ्ट साइड रहेगा। ऐसे केस में जो आपका फ्रिंज बनता है वो भी हाइपरबोलिक होगा लेकिन इस साइड मुड़ा रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा। और इस केस में जो आपका फ्रिंज बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो जब दोनों ये लेयर थिन फिल्म के एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं तो हाइपरबोलिक या स्ट्रेट फ्रिंजेज बनती हैं, जिनको हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेज बोलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तब जो फ्रिंज बनता है वो सर्कुलर होता है, जिसको हम फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा M1 और M2 डैश एक दूसरे के पैरेलल ही हों, पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वो पैरेलल नहीं है तब ये फार्मूला हम इस तरीके से यूज करेंगे, अगर वो पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा यहाँ जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन रख देंगे, ठीक है। इसको आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा इनके यूजेज के बारे या एप्लीकेशन के बारे में बात कर लें, जिनके फार्मूले के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एप्लीकेशन में हम कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे और इन्हीं फार्मूले के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि अगर मान लीजिए लैम्डा वन और लैम्डा टू दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, और पहले वाले वेवलेंथ का कुछ एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो और दूसरी वाली जो वेवलेंथ है, दूसरी वाली जो लाइट है उसका भी एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो, और हम मिरर M1 को, यहाँ वाला जो मिरर है उसको हम मूव करें, इस तरीके से मूव करें कि पहले वाली लाइट का कोई एक, जैसे mth, m1, m2 कुछ भी नाम दीजिए, किसी एक ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज पहले लाइट के लिए, पहले वेवलेंथ के लिए, दूसरी वाली वेवलेंथ के किसी दूसरे ब्राइट फ्रिंज के साथ अगर ओवरलैप कर जाता है, कॉन्साइड कर जाता है, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है जब दोनों वेवलेंथ का ब्राइट फ्रिंज आपस में कॉन्साइड कर जाता है। तो जब ये कॉन्साइड कर जाते हैं तो ब्राइट वाले की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम ब्राइट और डार्क के बीच में बहुत ही आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस, या इसी को हम ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस। और ये कंडीशन क्या है, N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2, मतलब क्या कि लैम्डा 1 वेवलेंथ का जो N1 ऑर्डर का जो ब्राइट फ्रिंज था वो लैम्डा 2 वेवलेंथ के N2 ऑर्डर के ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप हुआ था, तब उस कंडीशन में N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप याद कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस की कंडीशन। दूसरा ये है कि अगर देखिए, आपको पता है कि ये जो आपका मिरर है M1 मिरर था और जो M2 मिरर था, ये मूवेबल है, मतलब हम इनको मूव कर सकते हैं, इनका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो जब हम मिरर M1 को मूव करते हैं लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस से ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो कुछ फ्रिंजेज गायब हो जाती हैं, जैसे ऊपर ले जा रहे हैं तो कुछ फ्रिंजेज गायब हो जाती है, कम दिखती हैं, तो नीचे ले आने पर वो वापस आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा कि लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस अगर आप मूव कराते हैं तो एक फ्रिंज गायब हो जाती है, ठीक है। लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस अगर आप मूव कराते हैं तो एक फ्रिंज गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब अगर 1 डिस्टेंस चलते तो 1/λ/2 फ्रिंजेस गायब हो जाती है ना। इसका मतलब कि अगर हम ये कहें कि अगर n फ्रिंजेस की बात करें, या तो ऐसे आप कह लीजिए
कि अगर हम d डिस्टेंस चलें तो कितनी फ्रिंजेस गायब हो जाएंगी, तो d अपान लैम्डा अपान 2, और इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या कि जब हम मिरर M1 को d डिस्टेंस तक मूव करेंगे तब जितनी फ्रिंजेस गायब होंगी वो फ्रिंजेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो d डिस्टेंस मूव करने के बाद डिसअपियर हुई नंबर ऑफ फ्रिंजेज एन है, तो यहां से आप देखिए क्या मिलेगा आपको, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2d इज इक्वल टू कैपिटल एन लैम्डा। एक ये भी केस आपको याद रखना है जिसमें d क्या है, मिरर 1 को जितना डिस्टेंस आपने मूव किया है ये वो डिस्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा n क्या है, जितनी फ्रिंजेज गायब हुई हैं ये नंबर ऑफ फ्रिंजेज है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है उतना ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के केस में। तीसरा आप देखिए, तीसरा फार्मूला क्या है, अगर मान लीजिए हम ग्लास प्लेट या ग्लास स्लैब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके बीच में हम रख दें, जो रिफ्लेक्टेड वाली है चाहे जो आगे ट्रांसमिट जो मिरर M2 की तरफ गई थी चाहे उसके सामने, चाहे जो मिरर M1 की तरफ गई थी उसके सामने, दोनों में से किसी भी एक के सामने अगर हम ग्लास प्लेट रख दें और इस ग्लास प्लेट की थिकनेस हो t और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो म्यू, तो ऐसे में एक रिलेशन ये याद आप रखिए, म्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू डी, म्यू माइनस वन इंटू टी इक्वल टू डी, जहां पर d की वैल्यू आप यहां से भी निकाल करके रख सकते हैं, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा म्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू डी इक्वल टू एन लैमडा बाई टू, कैपिटल एन लैमडा बाई टू, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अगर ग्लास स्लैब आप बीच में लगा देते हैं तो ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, इतने का पाथ डिफरेंस आ जाता है जिसके लिए हमको मिरर M1 को मूव करना पड़ेगा इसको कंपनसेट करने के लिए। तो अगर मान लीजिए d डिस्टेंस मूव करने के बाद वो कंपनसेट हो जाता है ये पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पर इक्वल टू d, और इस d को अब चूंकि आप मिरर को मूव करेंगे तो कुछ फ्रिंजेज गायब होंगी, तो ये रिलेशन आप यहाँ से d की वैल्यू रख सकते हैं। और चौथा और लास्ट है ये आप देख लीजिए कि अगर ये दो लैम्डा वन और लैम्डा टू वेवलेंथ वाली जो फ्रिंजेज आप इस्तेमाल कर रहे थे, अगर इनके बीच का सेपरेशन आपको पता करना हो, दैट इज स्पेक्ट्रल विड्थ, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू, ये आता है यहाँ पर लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू अपान, आई थिंक ये 2d है, थोड़ा मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, हाँ 2d है, और लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू, यहाँ पर हम लैम्डा यूज करते हैं तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर अपान 2d, ठीक है। और ये लैम्डा स्क्वायर क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की जगह पर क्या लिख दिया है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो जियोमेट्रिकल मीन है वो है लैम्डा, तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जियोमेट्रिकल मीन है ये लैम्डा। तो ये चारों फार्मूले हैं जिसमें से फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे गए, ठीक है। तो आई होप कि न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर के सारे फार्मूले आपको क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसके ऊपर ये बेस्ड हैं और कैसे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं, जनरल पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद पर्टिकुलर जब न्यूटन्स रिंग में आएंगे तो क्या बनेगा, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या बनेगा, थिन ग्लास प्लेट के केस में क्या बनेगा, ये आप समझ गए होंगे।